Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a new exercise 7.4. Let us start from question number 1. Dekhi question number 1 aapka hai. Write if the given fraction is a proper, improper or mixed fraction. Yahan par aapko batana hai ki niche diya hua fraction wo proper hai, improper hai ya mixed hai. To hum samajhte hain ki proper fraction kise kehte hain, improper kise kehte hain, mixed kise kehte hain. Sabse pehle aapka hai 2 upon 3. Yahan par 2 upon 3. 2 upon 3 ka matlab maan lijiye koi एक हम लेते हैं स्ट्रीट, यहां पर नीचे लिखा हुआ 3, इसका मतलब इसके 3 पार्ट्स का है, 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं, इसमें से 2 पार्ट्स का आपको कलर करना है, तो 2 पार्ट्स का कलर करते हैं, इजी हमारे ये कलर हो चुके हैं, जिसे हम कहेंगे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इजी कहेंगे सिंपली प्रॉपर फ्रैक्शन. ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो देते हैं. ये है 11/3. 11/3 में भी आपका नीचे कितना है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 पार्ट्स इसमें करते हैं, 3 पार्ट्स हो गए. अब इसमें 11 पार्ट्स को कलर करना, बताइए 3 पार्ट्स इसमें है ही, तो 11 पार्ट्स कहां से कलर होंगे, कलर हो नहीं पाएंगे. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर ये लग ही नहीं रहा, इससे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें क्लियर हो चुका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिन्हें डिनोट करना आसान नहीं, जैसे 3 पार्ट्स करने हैं और 3 में 11 पार्ट्स को कलर करना है, जब टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं तो 11 पार्ट्स कैसे कलर होंगे, तो ऐसे में ये फ्रैक्शन कैसा आपका कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. यदि समझते हैं कर सकते हैं, जैसे एक बच्चे को 3 में 2 नंबर मिला, जो तो हम मानते हैं 3 में 2 नंबर मिल सकता है, लेकिन एक दूसरा है जिसको 3 में 11 मार्क्स मिले, टोटल 3 मार्क्स का पेपर था लेकिन कितने मिले, 11, कैसा लग रहा है, थोड़ा इम्प्रॉपर जैसा लग रहा है, तो ये फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसी तरह से आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर को समझ सकते हैं. या तीसरा मेथड ये है कि जब भी न्यूमरेटर आपका ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, तब तक वो इम्प्रॉपर. जैसे इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये था बी. अब सी को देखें तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आया है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी को. 1/6/7 से समझते हैं. देखिए यहां पर साइड नंबर 1 का मतलब एक पूरा खड़ा होल पार्ट, और यहां पर 6/7 इसका मतलब एक दूसरा पार्ट लेना है. इसमें आपके कितने पार्ट्स का है, 7, तो 7 पार्ट्स मान लीजिए करते हैं. मान लीजिए 7 पार्ट्स आपके हो चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पार्ट्स हो चुके हैं. इसमें से 6 पार्ट कलर कर दीजिए, हो चुका. इसमें देखिए जब भी साइड में एक होल नंबर लगा हुआ, एक पूरा होल नंबर लगा हुआ, देखिए होल मतलब पूरा, ये कहा इसमें आपको पार्ट्स नहीं करना है, दूसरे वाला लेकर उसमें पार्ट करना है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स. मिक्स मतलब होता है मिला हुआ. तो देखिए क्यों मिला हुआ, क्योंकि इसमें खड़ा वाला भी है और साथ में क्या है, पार्ट टूटने वाला भी है, ये टूटा हुआ है और ये क्या है, टूटा हुआ है, तो दोनों चाहिए. जब इसमें होल भी हो, खड़ा भी हो और दूसरा पार्ट भी हो, तो ऐसे में कहते हैं ये दोनों क्या है, दो तरह के हैं, दोनों मिक्स किए गए हैं, तो इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. इसी तरह से आप इसमें एफ को भी समझ सकते हैं, जो कि आपका मिक्स फ्रैक्शन है, और इसमें आपका एक जी भी मिक्स है और एल भी आपका मिक्स कहलाएगा. तो क्लियर हो चुकी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन.
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू आपका है, फ्रॉम द फ्रैक्शन गिवन बिलो पिक आउट व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 8/1, 9/5, 21/31, 3/8, 1/3/4, 1/5, 16/16, 4/5, 4/5/6, 11/9। एक और आपका फ्रैक्शन बचा है 15/1, इसे यहाँ पर 15/1। ये सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ए क्या कह रहा है, टू प्रॉपर फ्रैक्शन, दो प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए। दो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या हो छोटा हो, न्यूमरेटर तो बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर आपका बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर ग्रेटर है, इसमें तो सेम है, इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है। ये सबसे पहला आपका 3/8 होगा, और इसमें स्मॉलर है ये तो नहीं, इसमें भी आपका स्मॉलर है, ये क्या हो जाएगा 1/5, कितना लिखना है दो लिखना है वो आपको पूछ रहे हैं। अब इसके बाद बी में आते हैं, बी में क्या कह रहा है, टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, देखिए न्यूमरेटर ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, तीन को हम छोड़ते हैं, ये लिखते हैं नीचे वन है उनको छोड़ते हैं, उनको नहीं, ये वन 9/5, सबसे पहले आपका होगा 9/5, और ये इक्वल है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी इक्वल है, ये भी नहीं, ये दूसरा क्या हो जाएगा 11/9। देखिए इस इन दोनों में भी आपके न्यूमरेटर ग्रेटर है, लेकिन न्यूमरेटर आपके क्या है 1, तो जिनके न्यूमरेटर 1 है उनको हमें लेना नहीं, वो इम्प्रॉपर नहीं। अब आते हैं सी की तरफ, सी की क्या तरह मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब होल पार्ट भी होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए इसमें होल पार्ट 1 पूरा होगा है, तो पहला हो जाएगा 3/4, और दूसरा आप लिख लेंगे अपने से इसे। अब आते हैं डी की तरफ, टू होल नंबर रिटन एज फ्रैक्शन, दो होल नंबर बताइए जो फ्रैक्शन के रूप में लिखे गए। देखिए होल नंबर क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्या है हमारे होल नंबर, 9, 10, 11, 12, जो भी नंबर हम पढ़ते हैं 13, 15, 100, 120, सारे 1 से लेकर जहां तक नंबर चलते हैं, ये जो नंबर पढ़ेंगे सारे कैसे हैं, ये हमारे होल नंबर है। इन होल नंबर को कभी कभी फ्रैक्शन बना दिया जाए, ऐसे फ्रैक्शन बनाए जाते हैं जैसे 2 को मान के फ्रैक्शन बनाना, इसके नीचे आप 1 लगा दो फ्रैक्शन हो गया, 4 को फ्रैक्शन बनाना इसके नीचे 1 लगा दीजिए फ्रैक्शन हो जाएगा, 6 को बनाना 1 लगा दीजिए फ्रैक्शन, 8 को बनाना 1 लगा दीजिए फ्रैक्शन। तो पूछ रहा है कितने ऐसे होल नंबर है जिनको फ्रैक्शन बनाया गया, देखिए इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 15/1। इसी तरीके से दूसरा होल नंबर ये है जिसे क्या बनाया गया है फ्रैक्शन 8/1। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई कहता है टू फ्रैक्शन दैट कैन बी रिटन एज 1, दो ऐसे फ्रैक्शन बताइए जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 1 कब लिख सकते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होते हैं उसे हम क्या लिख सकते हैं 1, जैसे पहला 0/21/21, क्यों, क्योंकि 21/21 का सेम दोनों को हम पार्ट में क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका हो जाएगा 16/16। आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्लास नंबर 9 तक कर रहे हैं, ठीक है, सलाम अलैकुम।